सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा के रूहानी स्थापना दिवस 29 अप्रैल का पावन भंडारा शुक्रवार को देश और दुनिया में करोड़ों साध संगत ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं भीषण गर्मी के बावजूद भी इस अवसर पर श्याम मस्ताना जी धाम में आयोजित पावन भंडारे में असीम श्रद्धा विश्वास गुरु भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। एक ओर जहां विशाल पंडाल साध संगत से खचाखच भरा था, वहीं दरबार की ओर आने वाले बादरा रोड शाह सतनाम जी मार्ग और बाजेका की ओर से आने वाले रास्तों पर भी दूर दूर तक साध संगत का भीड़ ही भीड़ देखने को मिली। वहीं नाम चर्चा की समाप्ति तक सभी मार्गों पर कई कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें भी लगी हुई नजर आ रही थी। साध संगत के भारी उत्साह के समक्ष प्रबंधकीय समिति द्वारा किए गए प्रबंध छोटे पड़ते नजर आए। वहीं इस अवसर पर मानवता भलाई के कार्यों को गति देते हुए साध संगत ने आत्म सम्मान मुहिम के तहत 29 महिलाओं को सिलाई मशीनें, फूड बैंक मुहिम के तहत 29 जरूरतमंद परिवारों को राशन और क्लॉथ बैंक से जरूरतमंद 29 परिवारों को वस्त्र भेंट किए। तो देखिए डेरा सच्चा सौदा की लाइव तस्वीरें। डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा आज ये 74वां रूहानी स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है मानवता भलाई के कार्य करके। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना है वो पहली पातशाही परम संत श्याम मस्ताना जी महाराज जी ने 29 अप्रैल 1948 को की। 29 अप्रैल 1948 को श्याम मस्ताना जी महाराज जी ने डेरा सच्चा सौदा का ये बीज लगाया, और जिसे दूसरी पातशाही परम पिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी ने अपने प्रयासों से सींचा और उसे एक पौधे के रूप में लेकर आए। और उसके बाद जो मौजूदा पातशाही हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उनके प्रयासों से आज ये वट वृक्ष का रूप डेरा सच्चा सौदा ले चुका है, जो कि पूरे समाज को, पूरे विश्व को आज मानवता भलाई के कार्य स्वरूप एक छाया प्रदान कर रहा है। तो हर साल की तरह आज भी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा मानवता भलाई के कार्य करके, जिसमें आप देखेंगे कि जरूरतमंद बहनों को सिलाई मशीनें दी गई, राशन वितरित किया गया, ट्राई साइकिल्स बांटी गई, और भी कई गरीब लोग जो हैं जो अपना मकान नहीं बना सकते थे डेरा सच्चा सौदा साधन में उनको मकान बना कर दिए डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा, वो चाबियां वितरित की गई। इस तरह के मानवता भलाई के कार्य करके आज इस स्थापना दिवस को मनाया गया है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस पूरे मंथ में, पूरे अप्रैल के महीने में अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में, चाहे वो आप हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, इस तरह के अनेक राज्यों में लाखों की तादाद में साध संगत ने इकट्ठा होकर मानवता भलाई के कार्य करके इस स्थापना दिवस को मनाया है। और आज भी आपने देखा कि लाखों की तादाद में यहाँ सिरसा में भी साध संगत पहुंची है। आप देखेंगे तो दूर दूर तक आज जाम लगे हुए हैं। तो ये साध संगत का प्यार है अपने गुरु जी के प्रति जो छलकता है, और मानवता भलाई के कार्यों में पूज्य गुरु जी के निर्देशानुसार वो तत्पर रहते हैं। देखिए, उसके बारे में हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और आज भी हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, ये मात्र अफवाहें हैं। डेरा सच्चा सौदा के जो गद्दी नशीन पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी हैं और वही रहेंगे, जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं बहन हनीप्रीत को लेकर या तरह तरह की अफवाहें देखने को, सुनने को मिल रही है आप लोगों के माध्यम से, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये मात्र अफवाहें हैं। और पीछे बहन हनीप्रीत इंसा ने अपने इंस्टाग्राम यूजर्स को भी क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे, उसमें भी एक यूजर ने बहन से सवाल पूछा, बहन हनीप्रीत जी से, कि दीदी क्या आप 29 अप्रैल को गद्दी पर बैठ रही हैं? तो आज 29 अप्रैल है आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं था, मात्र अफवाहें थी। और बहन हनीप्रीत इंसा ने उस समय भी जवाब दिया था उस यूजर को कि डेरा सच्चा सौदा की गद्दी पर पूज्य पापा जी जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, उन्हीं का हक है और वही गुरु हैं और वही गुरु रहेंगे, और बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, मात्र अफवाहें हैं। और आज चिट्ठी के माध्यम से भी पूज्य गुरु जी ने ये क्लियर किया है कि जो डेरा सच्चा सौदा के गुरु हैं वो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी हैं और वही रहेंगे, ये मात्र अफवाहें हैं। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त समाज को और डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को हम ये एक बार फिर से कहना चाहते हैं, और पूज्य गुरु जी ने फरमाया है चिट्ठी के माध्यम से कि साध संगत ने किसी तरह की अफवाहों में नहीं आना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये डेरा सच्चा सौदा एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को ट्रस्ट की मैनेजमेंट चलाती है और वो बहुत अच्छे से चला रही है, सारी साध संगत उनके साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर, तो वो उस ट्रस्ट को चला रहे हैं। उनका जो ट्रस्ट का काम है वो अभी सभी मेंबर एक हैं, सभी मिलकर उसको चला रहे हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और साध संगत भी उनका सहयोग कर रही है और साध संगत का भी वो सहयोग कर रहे हैं। ये मात्र अफवाहें, अगर कुछ ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है।